In the following circuit, find the potential at point A and point B. तो बच्चों देखिए, जैसे कि हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इक्वल है, तो जो टोटल अप्लाइड पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस. तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो 2 वोल्ट का रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं. अब ये ग्राउंडेड है तो पॉइंट ओ का पोटेंशियल तो 0 होगा बच्चों. तो अब देखते हैं कि पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा. तो पॉइंट ए से चले, मैं कैपेसिटर में पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे गया तो ड्रॉप -2 का, अगेन ड्रॉप -2 का, अगेन ड्रॉप -2 का, और पहुंचा पॉइंट ओ पर जिसका पोटेंशियल 0 इज इक्वल टू 0. देन वी ए इज इक्वल टू 6 वोल्ट. अगेन मैं पॉइंट 0 से चला तो 0 और 0 से अगेन ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देन -2 और पहुंचा पॉइंट बी पर तो वी बी, सेम वी बी इज इक्वल टू माइनस का 4 वोल्ट. सो वी ए इज इक्वल टू 6 वोल्ट एंड वी बी इज इक्वल टू -4 वोल्ट.